तो देखो प्यार का मौसम आ गया, फरवरी का महीना। खैर हम जो सके लेके इससे कोई ताल्लुक नहीं रखते। सिंगल लौंडे यार क्या ही कर लोगे, पर दुख तो होता है ना, दिल तो अपने पास भी है ना, हम भी चाहते हैं किसी के साथ गुलछर्रे उड़ाएं, किसी के बाहों में बाहें डाल के टूट के चाहने की वादे करें औकात से ऊपर वाले कि बोलो बेबी तुम बोलो चांद तारे तोड़ लाऊं, हाँ ले आऊंगा। फिर वो मनाती है कि नहीं बाबू, उसे भी तो प्यार होता है ना, वो सारे यार फीलिंग वो जीना चाहता हूँ, किसी को टूट के चाहना चाहता हूँ, कोई मुझे भी बेबी बुलाए, है ना, बुढ़ापे में कितना मजा आएगा ना। और ये फीलिंग लिए हम जी रहे होते हैं, और ये मौसम भी ऐसा है ना कि आपको मजबूर करता है। सिंगल बंदा भी बहनचोद अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा होता जिससे दिल टूट गया अलग। ब्रेकअप वाले बंदों का तो चलो ठीक है, सिंगल जिसकी कोई घंटा कोई जिंदगी में मोहब्बत या लव स्टोरी नहीं हुई, वो भी अरिजीत के दिल टूटे हुए गाना सुन रहा है, रो रहा है, रिलेट कर रहा है, क्योंकि सबको प्यार होता है। और ये दुख और बढ़ जाता है जब आप खुलेआम देख रहे होते हैं ना कपल्स को घूमते हुए, है ना, रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, किस डे, फक डे, हाँ वैलेंटाइन डे, ओयो के बाहर आप इमेजिन कर रहे होते हो कि गए हैं यार, मतलब कब नसीब में आएगा जब ओयो का ऐप डाउनलोड करूंगा। ये दुख और बढ़ जाता है। देखो आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं है इतना दुख नहीं होता, लेकिन कोई खुशहाल जीवन जी रहा हो आपकी आंखों के सामने तकलीफ बढ़ जाती है। और खासकर आपका दोस्त कोई रिलेशनशिप में हो ना, आके किससे सुना रहा हूं कांड जल जाती है, मन करता है बहन चुप कौन थी वो लड़की, इसे एक्सेप्ट कर रही है मुझे क्यों नहीं कर सकती। और पहले का तो मुझे पता था कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को क्या करना था, सिंगल है बजरंग दल में जाना है कि नहीं, उसका ग्रुप ज्वाइन करके आराम से भाई कोहराम मचा दो, खुद की जिंदगी नहीं बस रही इनकी उजाड़ दो, तवा कर दो, टूट के मारो इनकी, मतलब भगाने में जो मजा आता था ना, कपल्स भागते थे एकदम, दिल को सुकून मिलता था कि यही किक तो मिसिंग था, ये है ना असली इंतकाम। वो सेम जो बैकग्राउंड में गाना चला देते ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। हाँ एक बार तो मैं गया था बजरंग दल बन के, जिसे ऑफर मारा वही बहन चुप दिख गई सामने, फिर उसके बाद मैंने पूरा झुंड उस पर छोड़ दिया, पैरों में गिर के माफी मांग के आई कि तुम तो जानते हो, तुम तो बचा लो। मैंने कहा मैं नहीं जानता। हाँ पर पहले जो सिंगल होते थे, जो नहीं लव लाइफ है, वो बजरंग दल ज्वाइन करके थोड़ा बहुत जीवन के, मतलब समझ रहे हो, कुछ कर लेते थे, दिल को तसल्ली मिल जाती थी। अब करेंगे क्या, 500-700 में ओयो बुक कर दे रहे हैं यार ये। और प्यार में लोग ऐसे ही लिमिट पुश करते हैं, इतना पैसा तो होता ही है सब पे, ऊपर से छोटे मोटे ऐप बेरोजगारों को, बेरोजगार के बहन तो जिसके कुछ भी नहीं है उसको भी लोन ले देते हैं, ये लोन ले लेके ओयो जा रहे हैं, कह रहे मा दे रहे हैं तो हम कौन सा देंगे वापस, इनका बाकी काम ये पूरा कर दे रहे हैं यार, इतनी फैसिलिटी बढ़ गई है, मतलब देख रहे हो लव कितना आसान हो गया है। और देखो बेस्ट फ्रेंड सबसे बड़ा कांटा होता है कपल्स के बीच का, कहीं भी देखोगे ना रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा ये लौंडे वाले साइड से पूछोगे ना तो बताएगा एक बहन का लंड अपनी मतलब वो कन्विंस ही नहीं कर पाता अपनी बंदी को कि उसको छोड़ दे, और बंदी क्लियर होती है बेटा तू निकल, ये तो रहेगा तेरे बाद यही है, क्योंकि जब तक ये है ना तू बिल्कुल सीधा है, क्योंकि तुझे भी पता है ये ऑप्शन है, इसलिए गलतियां तो करियो मत। और देखो कपल्स भी समझदार होते हैं ना, एज अ रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड भाई सोचता है, उसे पता है कि इस महीने में तो गलतियां नहीं करनी, वैलेंटाइन डे तक तो नहीं करनी, जिसके लिए संघर्ष किया है वो तो कर लूं, वो बहुत सेफली चल रहा होता है। तो बेस्ट फ्रेंड भी बेचारा ऐसे ही हो जाता सिंगल की तरह। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपल्स के लिए ही मजे हैं, सिंगल्स भी संघर्ष करते हैं। सिंगल के लिए 2 दिन बना हुआ है स्टार्टिंग के, यही तो मौका दिया गया है कि बेटा तुम्हारी नहीं हो रही, ट्राई करके देख लो। पहला दिन जो आता है रोज डे, आप गुलाब दो, सेकंड प्रपोज डे, दूसरे दिन प्रपोज करो, उसके बाद सेलिब्रेट करो अगर हो गई तो। लेकिन मैंने ये देखा है भाई, अगर तुम सिंगल हो ना तो सिंगल ही हो, लड़कियां सिंगल ही नहीं है, कोई भी लड़कियां सिंगल ही नहीं है, यहां इतना कंपटीशन आ गया ना कि भाई कुर्सी से हटा के बैठना पड़ता है, अब वो तो पॉसिबल नहीं है 2 दिन में। हम खुद जब सिंगल थे भैंचो फूल उल लेके घूम रहे हैं, रोज डे प्रपोज डे वाले दिन बेइंतहा बस दिल फेंक दिया है लोगों में कि बस कर लो प्लीज, बोल दो हाँ बोल दो, एडजस्ट कर लूंगा, 2-4 हैं तो 5वां बना लो,
मैं घर बसा लूंगा बाद में, एडजस्ट कर लूंगा बस। मतलब शिकार पे निकले होते हैं हम लोग, आंखों में बिल्कुल सपने सजाए एकदम, ये बस आज का दिन हो जाए, कहीं से तो हाँ आ जाए, बाकी तो देख ही लेंगे। पर हो नहीं पाता यार, क्योंकि जो कुर्सी पे पहले से फिक्स है दो दिन में तो नहीं हटा सकते, उसके लिए पूरा संघर्ष चाहिए। और जो कुर्सी पे बैठा वो चूतिया नहीं है, उसने कहीं ना कहीं संघर्ष करके ही पहुंचा है। तो ये कहने की बातें लोग आपको तसल्ली दे रहे होते, मेरे दोस्त तसल्ली दे रहे हैं, तो तू अपने आप को कम क्यों समझ रहा है? भोसड़े का कम नहीं समझ रहा हूँ, ज्यादा ही समझ रहा हूँ, इसलिए नहीं हो पा रही है। तू और कॉन्फिडेंस बिल्ड मत कर मेरे अंदर। हाँ बहुत कॉन्फिडेंट था यार, पता नहीं एकदम ऐसा लगता था, वो रांझना में नहीं था, वो धनुष रांझना में मैं बिल्कुल कांटा सा था, पतला दुबला, आशिकी में ऐसे पूरे बाहें फैला के चल रहा हूँ, पूरा एकदम शाहरुख खान बना हुआ घूम रहा होता था। वो तो बाद में इंतकाम लेता था। तो अपनी तो कुछ है नहीं भाई, लव स्टोरी जिसकी है एंजॉय करो भाई।